हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन की मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ क्योंकि परसों के दिन की होगी छुट्टी तो वहां पर कल के दिन ही फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की होने वाली है एक्सपायरी, तो वहां पर क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स, उन पॉइंट्स को हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ ग्रीन हाईटेक वेंचर्स, जहां पर इसकी होने वाली है फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे भी स्टडी आउट करेंगे। और दो एसएमई आईपीओ तीर्थ गोपीकॉन एंड डीसीजी केवस एंड वायर्स, इनकी होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो DIIs ने 4762 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर FII ने 3268 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है और एक अच्छा खासा फिगर होने वाला है। अब अगर हम सबसे पहले SME IPO ग्रीन हाईटेक वेंचर्स की बात कर लेते हैं, अगर मैं इसके GMP की बात करूं तो आज के टाइम पर इसका GMP हमें देखने को मिल रहा है 50% के करीब का, जो काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। बट जो मेरी डिस्कशन हुई थी इस IPO के रिव्यू वीडियो में, मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि ये आईपीओ मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको इजीली अवॉइड करने वाला हूँ बींग एन अग्रेसिव होकर। अगर मैं बींग एन हाईली अग्रेसिव होकर बोलूँ तो वहां पर सबसे पहले तो जो दो एसएमई आईपीओ कल के दिन लिस्ट हो गए, वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लिस्टिंग होती है और किस तरीके से आईपीओ मार्केट का मूलमोल वहां पर रहता है। और वहां पर अगर काफी अच्छा लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल जाता है दोनों आईपीओ में, और एचएनआई की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 300x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं बींग ए हाईली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूं। बट अगर मार्केट का मूड मूल काफी ज्यादा बिगड़ता है, जो हमारे ग्लोबल सेंटिमेंट चल रहे हैं, तो वहां पर हमें इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर बाई चांस ये आईपीओ डिस्काउंट में खुलता है, क्या हम उस लॉस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमें हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बट मैं पर्सनली इतना बड़ा हाईली अग्रेसिव पर्सन नहीं हूँ, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर दूंगा। ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होने वाला है, चाहे जितना मर्जी जीएमपी चलता रहे, चाहे जितनी मर्जी हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाए। बट आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। और आप लोग क्या इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम दोनों एसएमई आईपीओ की बात कर लेते हैं, तीरथ गोपीकॉन एंड डीसीजी केवस एंड वायर्स, देखो मार्केट में जो ये अल्फा बीटा गामा इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ये युद्ध हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है, बट 1% प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, जिसकी वजह से तीर्थ गोपीकॉन एक अच्छा खासा एसएमई आईपीओ हमें देखने को मिल रहा था, अच्छा खासा जीएमपी भी हमें देखने को मिल चुका था। बट क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ग्लोबली जो हमारे मूड माहौल थे वो बिगड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर इसका जीएमपी में भी हमें दिक्कतें देखने को मिली है। हाउएवर पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था, मैंने अप्लाई किया था अपने और फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट अगर ये दोनों ही आईपीओ मेरे पास होते, तो जैसा कि मेरी हर एसएमई आईपीओ में स्ट्रेटेजी रहती है, हर एसएमई आईपीओ में रूल रहता है कि जैसे वो एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है, मैं उसको इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, फिर वो चाहे डबल हो ट्रिपल हो आधा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। और चाहे वो डिस्काउंट में खुले चाहे प्रॉफिट में खुले, मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, मैं अपना एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है, ये मेरा रूल होता है किसी भी एसएमई आईपीओ में। रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर हमें जनरली सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं, क्या लगना कन्फर्म है, कोई कन्फर्म नहीं है, अगर लगता है तो कौन सा लगता है किसी को भी नहीं मालूम। बट अपर सर्किट या लोअर सर्किट में अगर कोई भी सर्किट लगा, स्पेशली अपर सर्किट लगता है, फिर तो हमें दिक्कतें नहीं होती है। बट अगर बाई चांस लोअर सर्किट लग गया, तो वहां पर हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। अब चाहे वो सर्किट उसी दिन खुले, 2 दिनों बाद खुले, 5 दिनों बाद खुले, वो जब भी खुलेगा फिर ही हमारा एग्जिट हो पाता है, जिसकी वजह से मैं इस सर्किट के चक्कर में नहीं फंसता हूँ और मैं वहां पर इजीली एग्जिट हो जाता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है, ये मेरे रूल्स बने हुए हैं किसी भी एसएमई आईपीओ में। आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके को भी हेल्प चाहिए, या फिर आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो भी एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, या बूस्टर एसटीपी हो, या लमसम अमाउंट हो,
तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो हमारी सिंपली बात हुई थी कि 22,380 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर ये लेवल कटता है तो हमें नीचे की साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और वहां पर गैप डाउन हुआ और हमारे लेवल के पास इसने यहाँ पर मौका मिला और वहां से हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। और वहां पर हमारे पास जो 20,250 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी और वहीं से सपोर्ट पकड़ी और वहां से हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। अब अगर हमारी यहाँ पर दोबारा से एंट्री हुई है ना, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस के पास आ चुकी थी, तो हमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जहाँ पर हिट हुआ, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बट ऊपर सस्टेन नहीं हो रही थी और जिसकी वजह से जैसे ही दोबारा से टूटते हमारी एंट्री होती है और हमें फिर से एक अच्छी मूव देखने को मिल चुकी थी। मतलब कि टोटली हमें 4 ट्रेड्स देखने को मिली हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, और वहां पर 3 में अच्छा प्रॉफिट हुआ और 1 में हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट अब अगर हम कल की बात करते हैं तो हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 22,360 से 380 की रेंज, ये हमारे लिए अभी भी इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। और 22,250 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनी हुई है, बट क्योंकि आज 2 बार सपोर्ट ले चुका है, तो क्या कल के दिन एक बार ले सकता है क्या? अगर सेकंड टाइम भी आता है तो लेता है या नहीं लेता, वो देखने वाला पॉइंट है। बट आफ्टर ऑल एक वीक सपोर्ट होने वाली है, अगर इसके नीचे जाता है तो हमें इमीडिएट 50 पॉइंट की मूव मिल सकती है, बट कंफर्मेशन हमें मिलेगी 22,200 के नीचे, क्योंकि वहां पर हमें एक अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्पॉट बना हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन डाटा आप चेकआउट कर सकते हो, बट ऑप्शन का डाटा काफी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो हमें कल के दिन लाइव मार्केट में भी देखना पड़ेगा कि वहां पर कैसे कल के दिन चेंज होते हैं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 22,250 का, अगर कटा तो हमें 50 पॉइंट तक की मूव देखने को मिल सकती है, बट मेजर मूव मिलेगी 22,200 के नीचे, जहां पर तो हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। सिमिलरली 22,380 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है, इस लेवल के पास अगर आते तो एक बार के लिए हम वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं एक 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा किसी भी डायरेक्शन में अगर हमारी ट्रेड होती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि अगर बाय चांस वहां पर हमारी ट्रेड के ऑपोजिट कोई भी डायरेक्शन पकड़ता है तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हमें एक मेजर लॉस होने से बचा लेता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस की हमेशा वैल्यू रहेगी। बट क्योंकि कल के दिन होने वाली है ट्यूजडे, और वहां पर ट्यूजडे के दिन हमें बहुत साइड मूवमेंट देखने को मिल जाता है, बट हो सकता है कि कल के दिन एक इंटरेस्टिंग डे हो जाए, क्योंकि परसों के दिन की होने वाली है छुट्टी। बट जैसा भी हो, अगर मैं कल के दिन काम करूंगा अभी, तो एक हाफ क्वांटिटी के साथ करना प्रेफर करूंगा, कि जनरली अगर मैं 10 लोट्स में काम करता तो वहां पर मैं 5 लोट्स में काम करना प्रेफर करूंगा। ये हमें हमारे ट्यूजडे इफेक्ट को देखते हुए वहां पर कुछ नए रूल्स बनते रहते हैं, जो आप लोग अगर हमसे पुराने जुड़े हुए तो आपको मालूम होगा। बट हमने जहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग एंड केस स्टडी परस्पेक्टिव पर ही है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।